हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमिंग प्रिंसेस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप अपने बेबी को व्हाट कंट्रीज फ्लैग्स कैपिटल्स विद देयर करेंसीज इजी वे में खेल खेल में कैसे आप अपने बेबी को सिखा सकते हैं। मैंने अपने बेबी को सिखाने के लिए जो किट ऑर्डर किया था वो ये किट है, व्हाट कंट्रीज फ्लैग्स एंड कैपिटल। इसके अंदर 195 कंट्रीज के फ्लैग्स हैं एंड 195 कंट्रीज की ही कैपिटल्स सॉरी करेंसीज हैं। तो ये किट मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप भी अपने बेबी के लिए परचेज कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से मैंने अपने बेबी को ये वर्ड फ्लैग्स सिखाए और उनकी करेंसीज को सिखाया। तो मैंने कुछ फ्लैग्स अपने पास ले रखे हैं। जैसे सबसे पहले जो फ्लैग है वो है इंडिया का फ्लैग है। तो इंडिया का फ्लैग जैसे हम अपने बेबी को कुछ भी सिखाएंगे ना, मैं जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं बताती हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसको कलर्स पता होने चाहिए, क्योंकि बच्चे कलर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। या फिर कुछ ऐसे फ्लैग्स के अंदर इस तरह से छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होगी जिससे आपका बेबी क्या होगा, उन पिक्चर्स की तरफ अट्रैक्ट होगा और आप उसको क्या करना, उसकी ही किसी यूजेबल थिंग के साथ उन पिक्चर्स को रिलेट करके उसको ये फ्लैग इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे वो अपनी साइकिल को राइड कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये इंडिया का फ्लैग है जो आप उसके पास लेके जा सकते हो और उसको बता सकते हो, देखो बेटा जैसे आपकी साइकिल के अंदर टू व्हील्स है ना, व्हील्स है ना आपकी साइकिल के अंदर, वैसे इस फ्लैग के अंदर भी वन व्हील है। ये देखो है ना, ये वन व्हील, ये हमारा अशोक चक्र है और ये हमारा इंडिया का फ्लैग है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने बेबी को फ्लैग्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। उसकी डेली लाइफ से जो जुड़ी हुई थिंग्स है ना, आप उनके साथ फ्लैग्स को रिलेट करवाइए, डेफिनेटली आपका बेबी बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। और जो जैसे मेरे पास सेकंड फ्लैग जो है वो है अमेरिका का फ्लैग है। अमेरिका के फ्लैग के अंदर जैसे इस तरह से छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं, तो वो स्टार्स बेबी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर नाइट हो चुकी है और नाइट में आप आउटिंग कर रहे हैं अपने बेबी के साथ, तो ये फ्लैग आप तब इंट्रोड्यूस करवा सकते हो उसको कि जैसे देखो वो छोटे छोटे स्टार्स है ना स्काई में, देखो वहां पे छोटे छोटे स्टार्स है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टार्स हैं, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है श्रेयाश, ये अमेरिका का जो बॉल बनी हुई है ना, आप भी बॉल के साथ प्ले करते हो ना, चलो आज इस फ्लैग को भी बॉल के साथ प्ले करवाते हैं श्रेयाश। तो ये देखो ये बॉल है ना, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, ये ब्राजील कंट्री का फ्लैग है, आज श्रेयाश बॉल के साथ प्ले कर रहा है ना, चलो आज इस फ्लैग को भी बॉल के साथ प्ले करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी बॉल बनी है, ये ब्राजील भी श्रेयाश के साथ प्ले करेगा है ना, आप भी बॉल के साथ प्ले कर रहे हो ना, चलो आज ये फ्लैग है ना जो ये भी आपके साथ प्ले करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, ब्राजील का फ्लैग लीफ बनी हुई है, ये जापान का फ्लैग है, सर्कल बना हुआ है, श्रीलंका का फ्लैग है, लायन बना हुआ है, इस तरह से चाइना का फ्लैग है, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं। आपको इस तरह से क्या हुआ कि हर किसी फ्लैग के अंदर कुछ ना कुछ पिक्चर्स मिलेंगी, कुछ ना कुछ कलर्स मिलेंगे जो आप अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, उसकी डेली लाइफ से उसको रिलेट करवा सकते हो, तो आपका बेबी क्या होगा, इजिली उन फ्लैग्स को सीख जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, एक और ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे आप उसको इंडिया का फ्लैग इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि ये हमारा इंडिया का फ्लैग है, तो आप क्या करना, उसके साथ साथ आप अपनी बेबी को भी इंडिया की करेंसी जो है वो साथ में ही इंट्रोड्यूस करवा देना। जैसे आप उसको क्या कहोगे कि हम भैया से चॉकलेट लेने जाते हैं ना, जब भैया से चॉकलेट लेते हैं तो हमें भैया को क्या देनी पड़ती है, हम भैया को ये करेंसी देते हैं ना बेटा, भैया को मनी देते हैं ना, तो इसके बदले वो हमें क्या देते हैं, फिर हमें चॉकलेट देते हैं ना वो अंकल। इसी तरह से जो दूसरे देश है जैसे दूसरी कंट्रीज हैं, उसके अंदर भी क्या होता है कि जब हम अंकल से चॉकलेट लेने जाएंगे, जब हम उस कंट्री में जाएंगे तो हमें अंकल से चॉकलेट लेनी होगी। जैसे बांग्लादेश की करेंसी है टका, तो हमें वहां पे अंकल को क्या देना होगा, अंकल को टका देना होगा, इससे फिर हमें अंकल क्या देंगे, हमें चीजी देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा कि हर एक चीज को अपने बेबी के साथ रिलेट करना होगा, उसकी एक्टिविटीज के साथ रिलेट करना होगा, जिससे आपका बेबी वर्ड की जो फ्लैग्स है और करेंसीज है वो इजिली सीख जाएगा। अगर आप वर्ड के फ्लैग्स उसको करवा रहे हो ना, प्लीज साथ साथ उसको करेंसीज भी करवाते रहना। अगर आप फ्लैग्स करवा दोगे बाद में उसको करेंसीज करवाओगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और जो आपका ये प्रोसेस वो और भी लेंथी चला जाएगा। याद है कि कुछ जो फ्लैग्स थे वो बहुत ज्यादा सिमिलर थे, जैसे इस तरह से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का फ्लैग था, ये फ्लैग सिमिलर थे, तो बेबीज को प्रॉब्लम आ रही थी कि ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, जैसे हम दोनों फ्लैग उनके आगे कर देंगे तो वो कंफ्यूज होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है और ये न्यूजीलैंड का फ्लैग है। तो आप उनको क्या करना कि जिस तरह से इसके अंदर भी स्टार बने हुए हैं ना बेटा,
इसके अंदर भी स्टार बने हुए हैं। इसके जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वहां जो मतलब जो भी पर्सन है ना उनको व्हाइट स्टार्स पसंद है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। और जो न्यूजीलैंड है ना, वहां पे जो मतलब लोग रहते हैं उनको रेड कलर का स्टार्स अच्छा लगता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे डिफ्रेंशिएट करके उनको बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो जो मेन डिफरेंस लगा था इस फ्लैग के अंदर वो यही लगा था कि इसके स्टार में रेड कलर है और इसके स्टार्स में व्हाइट कलर है, और थोड़ी इनकी शेप्स भी मेरे को डिफरेंट लगी थी। तो इस तरह से आप भी अपने बेबी को सिखा सकते हो जो भी सिमिलर फ्लैग्स आएंगे। मेरे पास और भी सिमिलर फ्लैग्स हैं, जिस तरह से बेल्जियम है और ये जर्मनी का फ्लैग है, तो इसके अंदर जैसे स्लीपिंग लाइंस बनी हुई हैं, जो पेंट है वो स्लीपिंग लाइंस में है, और जो इस तरह से ये जो है वो स्टैंडिंग लाइन में बना हुआ है ये वाला फ्लैग। तो इस तरह से आप अपने बेबी को सिमिलर फ्लैग जब भी करवा रहे हो तो एक साथ रख के करवाना कि इसके फ्लैग में देखो बेटा, इसके फ्लैग में तो स्लीपिंग लाइंस है और ये जर्मनी का फ्लैग है, और इसमें क्या है स्टैंडिंग लाइंस है, इसलिए ये बेल्जियम का फ्लैग है। तो इस तरह से आप फ्लैग्स भी करवाते जाओगे और उनके कैपिटल्स भी उनके साथ साथ होती जाएगी। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो ये टू फ्लैग्स है, जैसे नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया। इस फ्लैग को करवाने के लिए ना सबसे पहले आपको अपने बेबी को डायरेक्शन सिखानी होगी, बेटा हमारी कितनी डायरेक्शन है, हमारी फोर डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस किस तरह से आप उसको सिखाएंगे, जैसे ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो इस तरह से वो इन फ्लैग्स को भी बहुत अच्छे से करेगा और बहुत जल्दी करेगा। नॉर्थ कोरिया देन साउथ कोरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज एक लाइक करके जाना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।